नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? खुशरो भैया, नवीन शर्मा जी, ओमवीर सिंह तोमर, राम राम भैया। तो देखिए, आज अपन लोग डिस्काउंट पढ़ने जा रहे हैं, बट्टा बट्टा पढ़ने जा रहे थे आज अपन लोग। मोनू गुर्जर, गुड मॉर्निंग। हुकुम फौजी, जय हिंद भैया, सभी लोगों को जय हिंद। श्वेता पांडे, शिवानी तोमर, भीम आर्मी टाइगर, हरी कुशवा, सब लोगों को जय हिंद। ब्रजेश, संध्या राजपूत, गुड मॉर्निंग। मुकेश तोमर, जय हिंद भैया। अंकित तोमर, राम राम भैया। अजय कुशवा जी, अजीत सिंह, राम राम। तो देखिए, डिस्काउंट हम पढ़ रहे थे। डिस्काउंट कुछ नहीं, ऐसे ही प्रसद प्रसद जैसा टॉपिक है। तो चलो आइए देखते हैं, समझते हैं वो कैसा टॉपिक है। सौरभ सिंह, राम राम। चलो देखिए, हमने बताया था, बहुत पहले भी बताया था हमने, कि दुनिया में तीन ही मूल्य होते हैं। कौन से? कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। अर्थात मैं यूं कहूं कि खरीदो बेचो, ना खरीदो बढ़ाओ और बेचो, अपने हिंदी भाषा में। चलो, जैसे कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, उसके बाद तय कर लो कि लाभ हुआ कि हानि। खरीदो कॉस्ट प्राइस, बढ़ाओ मार्क प्राइस, बेच दो सेलिंग प्राइस, और उसके बाद यदि ज्यादा की बिचे तो लाभ ले लो और कम की बिचे तो हानि ले लो। ठीक है जी, इतनी सारी प्रोसेस होती है। तो जैसे सपोज है, अच्छा इसको क्रय मूल्य बोलता हूं, इसके बहुत सारे मूल्य को नाम होते हैं, मार्क प्राइस के बहुत सारे नाम होते हैं, अंकित मूल्य, खुदरा मूल्य, बाजार मूल्य, निर्धारित मूल्य, पर्ची मूल्य, सूची मूल्य, इस प्रकार के नाम मार्क प्राइस के होते हैं। ठीक है जी, अच्छा सेलिंग प्राइस तो विक्रय मूल्य है, तो है उसमें क्या है, और कम की खरीदी ज्यादा की बिची तो लाभ, और कम की खरीदी कम वो ज्यादा की खरीदी कम की बिची तो हानि हो जाएगा। ठीक है जी, चलो तो फिर आप लोग, हमेशा छूट वाली बात है, डिस्काउंट वाली बात है, जो डिस्काउंट वाली बात है अर्थात जो छूट वाली बात है वो हमेशा एमआरपी पर दिया जाएगा, और डिस्काउंट देने के बाद वस्तुएं बेच दी जाती हैं विक्रेता द्वारा और क्रेता द्वारा खरीद ली जाती हैं। डिस्काउंट देने के बाद डिस्काउंट क्या है, आइए हम तुमको अच्छे से बता देता हूं कैसे। जैसे सपोज दैट अभी शादियों का सीजन चल रहा है, ठीक है जी, शादियों का सीजन चल रहा है, हमको कोट पैंट की जरूरत है, तो हम, मैं व्यापारी हूं और आप क्रेता हो, क्रेता, तो हम कोट पैंट 2000 रुपए का लेके आए हैं दिल्ली से, हमारी दुकान है धर्म कांटे पर, यादव धर्म कांटे पर हमारी दुकान है, आप आज हमसे कपड़ा खरीदने आओगे, हम पहले से लेके आके रखे हैं कोट पैंट, तो लेके आओगे, हम सोच रहे हैं अपने लोग हैं, इनको उल्लू तो बनाना पड़ेगा, डिस्काउंट के नाम पर इनसे कुछ ना कुछ तो ठगना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं हम इनको, इसको दिल्ली से लेके आए भाई 4000 रुपए मैंने इसको अंकित कर दिया, सीधा 2000 का लेके आया था और उस पर मैंने एक पर्ची थी, उस पर 4000 रुपए मैंने लिख दिया। ठीक है जी, 4000 रुपए लिख दिया, अब आप घूमते फिरते आओगे मेरी दुकान पे, सब जगह तलाशते तलाशते कितना डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट कुछ नहीं, प्रतिशत कमी होती है, डिस्काउंट प्रतिशत कमी होती है, तो सब जगह 10% डिस्काउंट चल रहा है, एक जगह 20% डिस्काउंट सुन के वो लोग काफी हैरान हो गए कि चलो यार यहाँ 20% डिस्काउंट है तो सर की दुकान, सर परिचित है, सर की दुकान पे ज्यादा डिस्काउंट होगा, तो आप आ जाते हैं सूट पैंट देखते हैं कोट पैंट और हमसे
कहने लगते हैं सर मार्केट में 20% डिस्काउंट लग रहा है तो हम तो आपसे ज्यादा लेंगे। तो इस बहस के दौरान आप हमसे 25% डिस्काउंट ले लेते हैं। 25% डिस्काउंट यानी कि प्रतिशत कमी 75/100 75 × 300। अतः आप भारी खुश हैं कि सर को हमने ठग लिया, सब जगह 20% डिस्काउंट चल रहा था, हमने सर से 25% डिस्काउंट ले लिया। और हम इसलिए खुश हैं क्योंकि 2000 का खरीदा था और 3000 का बेच दिया। आपाऊ खुश, हमाऊ खुश, ऐसे चलता है पूरा मार्केट। तो इस प्रकार से हमें लाभ हो गया, 1000 रुपए का लाभ हो गया। यदि ज्यादा डिस्काउंट दे देते तो कम का बिचता तो हानि हो जाती, नॉर्मली जनरली बात है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी, चल तो आइए फिर यहां हम एक ट्रिक बता देते हैं, बहुत बढ़िया ट्रिक बता देते हैं। चलो आइए, जैसे सपोज है, ये हमेशा देखिए जो निर्धारित मूल्य है उसको हमेशा बढ़ा के रखेंगे और तो इस प्रकार से कभी भी घाटे की सौदा नहीं होगी, और डिस्काउंट हमेशा कम मात्रा में देंगे तो कभी भी घाटे की सौदा नहीं होगी। तो चलो आइए देख लेते हैं भैया, घाटे की सौदा नहीं होगी तो देखिए अंकित मूल्य हमेशा ज्यादा होगा, हमेशा इन तीनों मूल्यों में अंकित मूल्य हमेशा ज्यादा होगा, हमेशा ज्यादा होगा इसमें अंकित मूल्य। तो जब मुझे कभी क्रय मूल्य दिया है, अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य तो ज्यादा होगा। और ज्यादा मान कैसे लाया जाता है जानते हैं आप? ज्यादा मान आता है बड़की संख्या ऊपर रख दो और छोटी संख्या नीचे रख दो तो ज्यादा मान आ जाता है। बड़ी संख्या ऊपर रख दो, छोटी संख्या नीचे रख दो तो ज्यादा मान आ जाता है। और यदि अंकित मूल्य दिया है, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य तो कम होता है, और कम मान कैसे आता है? कम मान कैसे आता है जानते हैं आप? हाँ, छोटी संख्या ऊपर रख दो और बड़की संख्या नीचे रख दो, कोई दिक्कत ना? दिक्कत नहीं है, ये कुछ नहीं, बहुत जनरली चीज है। आइए हम लोग प्रश्न करते हैं सीधे सीधे, तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इस चीज को मैं यहाँ थोड़ा सा लगा देता हूं तो दिखता रहेगा। चल कैसे ही आइए प्रश्न लिखते हैं सीधे सीधे। अरे कुछ नहीं, एमआरपी पर डिस्काउंट होता है। हाँ चल, एक प्रश्न लिख दिया, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, जो 10% 5% 20% के बट्टे पर उपलब्ध है, तो सामान का विक्रय मूल्य बताइए। चलो जी बताएं सामान का विक्रय मूल्य क्या है? 684। बहुत अच्छे, ब्रिलियंट, मजा आ गया भाई, बहुत शानदार, अच्छा लगा आपने इस क्वेश्चन को जो किया। 684 मुझसे पहले कर दिया आपने, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सब चीज भूले नहीं है, ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ाया था वो भूले नहीं है। बस यही चीज तो मायने रखती है कि आप लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो पुरानी चीजें यदि नहीं भूली हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है यार। आओ चलो
देखते हैं भैया। देखिए एक सामान का अंकित मूल 1000 रुपए है, कितना रुपया है 1000 रुपए है अंकित मूल 1000 रुपए एमआरपी। तो आपको पता होना चाहिए कि एमआरपी पर ही डिस्काउंट होता है अंकित मूल्य, तो 10% डिस्काउंट, और डिस्काउंट देने के बाद वस्तुएं बेच दी जाती हैं। तो 10% डिस्काउंट यानी 90/100, 10 छोड़ेगा तो 90 की देगा, 5% डिस्काउंट यानी 95/100, 20% डिस्काउंट यानी 80/100, 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100, 5 × 19 = 95, ठीक है जी। 3 0 से 1 2 3 4, तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। क्यों भाई कुछ और बच गया क्या? ये 4 0 से 4 0 कटना, तो 9 × 19 × 4, 19 × 171 × 4, 4 × 4 = 4 7 = 28, और 4 × 2 = 6, 684 रुपया विक्रय मूल्य रहा होगा, 684 रुपया विक्रय मूल्य रहा होगा। क्या आप ऐसा कोई क्वेश्चन कर पाएंगे? आइए हमको क्वेश्चन करके दिखाएं आप लोग, दिखाइए जी क्या क्वेश्चन है आपका। एक सामान का अंकित मूल्य 5000 रुपए है, जो 10 20 30 10% + 20% + 30% के बट्टे पर उपलब्ध है, बट्टा से मतलब डिस्काउंट होता है भैया। तो सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात, सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो जी बताओ हमको कैसे बताएंगे आप लोग। हाँ बताओ बताओ बताओ, सामान का विक्रय मूल्य बताइए। 2520 रुपए हिट मैनू शैनू ने कर दिया, दीक्षा तोमर बहुत बढ़िया, 504 गलत आंसर दिया, जीता प्रिया श्वेता हिमानी सबने आंसर सही दिया है। हाँ चलो हम बता देते हैं तुमको क्या मामला है। एक सामान का अंकित मूल्य कितना है? 5000 रुपए है, ठीक है जी, 5000 रुपए जो 10% 20% 30% के बट्टे पर उपलब्ध है, 10% छोड़ेगा तो 90 की देगा, 10% डिस्काउंट 90/100, 20% डिस्काउंट 80/100, डिस्काउंट तो प्रतिशत कमी होता है, 30% डिस्काउंट 70/100, और डिस्काउंट के बाद वस्तुएं बेच दी जाती हैं, बेच दी जाती है, तो विक्रय मूल्य आएगा। जैसे आप खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से कहते हैं, वो मांगेगा 1 पैंट शर्ट का 1000 रुपए, तो आप कहेंगे सीधा कि वो हम तो 500 रुपए देंगे, यानी 500 छुड़वा लेंगे। तो भाई जब आपने बोल दिया और उसने दे दिया, तो उसका उसने जो बेचा तो उसका विक्रय मूल्य है और वही तेरे लिए क्रय मूल्य है। तो डिस्काउंट जब होता है जब क्रेता विक्रेता के बीच सामान की खरीद फरोख्त हो जाती है, तो खरीद फरोख्त हो गई 00 से 00 00 से 10 00 से 10 00 9 × 45 45 × 8 360, 5 × 9 × 8 × 7, 9 × 45 45 × 360 और गुणा 7 0 7 × 42 और 7 × 21 और 4 = 25, 2520 रुपया इसका। हाँ लाइक मार दो सब लोग, लाइक मार दो, चलो हाँ 2520 रुपया इसका विक्रय मूल्य रहा होगा जी। चलो बहुत बढ़िया, हाँ चलो एक क्वेश्चन और देखेंगे।
1500 रुपए जो 20, 25, 10 10% 20% 25% के बट्टे पर उपलब्ध है तो सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को टपका दोगे। टपका डालो। नम्रता, आप गलत आंसर दे रही हैं। 900 आंसर नहीं होगा। अच्छा 900 सही होगा, होगा बिल्कुल होगा। 810 कैसे होगा भाई? 810 ही होगा भाई, 810 होगा। प्रिया आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। हाँ नम्रता ठीक है, कोई बात नहीं है। 900 कोई आंसर फिर दे दिया। प्रथम तो अमर 900 आंसर दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हो यार? कुछ भी। एक सामान का अंकित मूल्य कितना है जी? 1500 रुपये। 10% डिस्काउंट, अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट होता है। 10% डिस्काउंट 90/100, 20% डिस्काउंट 80/100, 25% डिस्काउंट 75/100। ठीक है जी। अरे बस हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं। 00 से तो 00 होगा, ई 00 से ई 00 होगा। 25 × 75, 25 × 100। ठीक है, 4 × 4 = 8 हो गया। नीचे कछु ना बचो, वो जो बचो वो ऊपर बचो। ठीक है, 3 × 6 ओ 3 × 6 ठीक है, 15 × 30 और 30 × 90 और 90 × 800। चलो बचा क्या वो लिख लो पहले। 15 × 9 × 2 × 3 अपने हिसाब से कैसे भी करें गुणा। 15 × 30 30 × 90 90 × 800 बस लो जी 810 उसका विक्रय मूल्य हो गया होगा। किसी को कोई दिक्कत? अब नहीं मुझे लगता है कोई दिक्कत होगी आप लोगों को। अच्छा चल मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं। किसी सामान के अंकित मूल्य पर 20% छूट, 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची। बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। मूल्य ज्ञात करें, काफी अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। क्या सवाल है? एक सामान के अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची गई वस्तु का वस्तु लिख लो तो अच्छा रहेगा। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट देकर, मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात। ये क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, एक नंबर, बहुत अच्छे। सब लोगों ने इसका आंसर दिया है 30, बहुत शानदार। हाँ यही उम्मीद थी आप लोगों से कि आप लोग इसका आंसर सही सही देंगे। 30 रुपए बिल्कुल बिल्कुल।
तो एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची गई, तो ये एमआरपी है भैया अपना, ठीक है जी। मान लेता हूं एमआरपी 100 रुपए है, किसी को कोई दिक्कत ना जी? बिल्कुल दिक्कत नहीं, तो इसी पे डिस्काउंट दिया जाएगा, तो एक्स एमआरपी है उस पर डिस्काउंट 20% डिस्काउंट यानी 80/100, और डिस्काउंट देने के बाद वस्तुएं बेच दी जाती है। लो जी कितना भी 24 रुपए में बेच, तो 20 20 चौक 80 और 20 पंजा 100, 4 चिका 24 और 6 पंजा 30, अतः एक्स की वैल्यू आ गई 30 और एक्स क्या था मेरा एम। किसी को कोई दिक्कत ना जी? बिल्कुल दिक्कत है। दूसरा तरीका ये है, शुरुआत में अगर मैंने बताया था, अगर आप थोड़ा बहुत समझे थे उस चीज को, तो मैंने ये कहा था कैसे सीपी मेरा 2000 रुपये था कोट पैंट का, एमआरपी मेरा 4000 रुपये मैंने किया था, और एसपी मेरा 3000 आया था, क्या डिस्काउंट देने के बाद 25% डिस्काउंट दिया था 75/100 करके, है ना। फिर मैंने कहा था कि देखो एमआरपी हमेशा ज्यादा रखते, एमआरपी हमेशा ज्यादा रखते, ठीक है जी। तो जब कभी मुझे ज्यादा मान की आवश्यकता होगी तो बड़ी संख्या ऊपर रखूंगा और छोटी संख्या नीचे रखूंगा, और जब मुझे कभी कम मान की आवश्यकता होगी तो छोटी संख्या ऊपर रखूंगा और बड़ी संख्या। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हल्की चीज है यार, ये सारी बातें मैंने तुम लोगों को पहले ही बताई थी, ठीक है जी। हाँ ये सारी बातें मैं तुमको पहले ही बताई थी, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्या विक्रय मूल्य 24 दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, एसपी दिया है 24, और अंकित मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य दिया है, अंकित मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य तो अच्छा, और 20% डिस्काउंट का मतलब होता है 80/100, 20% डिस्काउंट मतलब 80/100। अंकित मूल्य विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, अंकित मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य तो ज्यादा होता है, ज्यादा मान कैसे आएगा? बड़ी संख्या ऊपर रख दो छोटी संख्या नीचे रख दो, तो लो जी बड़ी संख्या ऊपर बड़ी 100 आएगी, छोटी नीचे 80 आएगी। लो 20 चौके 80 और 20 पंजा 100 और 4 से 4 छिके 24, 6 पंजे 30, एक ही बार में डायरेक्ट फिनिश हो जाएगा। ओके ऐसे आप लोग इसे बना सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप कहोगे वैसे हम तो बना देंगे। तो क्या मुझे एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे, आओ चलो बनाते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन। तो ये भी तरीका ठीक है कि छोटा मान कैसे आएगा बड़ा मान कैसे आएगा, ये कोई नई कहानी तो है नहीं, हमने बहुत पहले ही आपको बता दिया। चलो एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 10%, 20%, 10% की छूट देकर, छूट दे 864 रुपये में, 864 रुपये में बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बोला मैंने? एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% 10% की छूट देकर 864 रुपये में बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बारह सौ रुपये क्यों भैया? 1200 रुपये, वाह सब लोगों ने आंसर मार दिया, बिल्कुल सही जवाब मारा है 1200 रुपये। चलो आइए देखिए डायरेक्ट देते हैं, दोनों तरीका यूज कर लेंगे अपन लोग। डायरेक्ट तरीका ये है, विक्रय मूल्य दिया है क्या जी 800, अच्छा पहले वहां से स्टार्ट करते हैं,
20% डिस्काउंट मतलब 80/100, ठीक है। 10% डिस्काउंट यानी 90/100, ये दोनों चीज लिख ली। 864 रुपए में बेची गई है, विक्रय मूल्य कितना दिया है 864 रुपए। निकालना क्या है, एमआरपी निकालना है, और एमआरपी तो हमेशा ज्यादा होता है, एमआरपी हमेशा ज्यादा होता है। ज्यादा मान कैसे आएगा, ज्यादा मान तो बड़ी संख्या ऊपर हो, छोटी संख्या नीचे हो। तो बड़ी क्या है, 80/100, 100/80, तो आप कहेंगे 100/80, तो 100/80, ठीक है। और ये लिख दिया 90/100, एक ही बार में फिनिश। तो चलो जी, ओए क्या कर रहा है भी, 100/90, ठीक है जी। 00 से तो 00 उड़ा, 8 से मैंने इसे काटा, 8 × 8 = 64, 9 से काटा, 12 × 9 = 108, अतः 12 और 00 बचा है कितना, 1200 रुपये इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। बहुत हल्की चीज है, और अगर वैसे करना चाहते हैं तो वैसे कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए एमआरपी नहीं दिया है तो ₹100, इसी एमआरपी पर डिस्काउंट होना है, 20% डिस्काउंट तो 80/100, 10% डिस्काउंट तो 90/100, और डिस्काउंट देने के बाद वस्तुएं बेच दी जाती है, तो 864 रुपए की बेच दी। 00 से 00 गया, 8 से ये 108 बार गया, 9 से 12 बार गया, कैंची गुणा करेगा तो x की वैल्यू 1200 रुपए आ जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, एक ही बात है, ठीक है जी। अच्छा चलो, हमको एक और क्वेश्चन दिखा दिया आपको, थोड़ा सा अच्छा, ये बताइए, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर दो सही 1/2% छूट देकर 39 रुपए में बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञान कीजिए। इस क्वेश्चन को बताओ, 2.5% छूट, 2.5% छूट, अब फंस गया रे बाबा तू, ढंग से कैसे निकालेगा इसको, निकाल के दिखाओ हमको। डायरेक्ट निकालो एकदम धपाक, बिल्कुल 40 रुपए, बहुत अच्छे, ब्रिलियंट। एक अंकित मूल्य पर 2.5% छूट, 2.5% छूट यानी कि 97.5। भाई 1% छूट तो 99, 2% छूट तो 98, 2 से भी ज्यादा तो पीछे चले गए 97.5। 97.5 में 2.5 जोड़ोगे तो पूरे 100% हो जाएगी, तो 97.5/100, प्रतिशत का 100 आता है। दो 20% छूट तो 80/100, 25% छूट तो 75/100, 2.5% छूट तो 97/100, 39 रुपए में बेचा गया है, 39 रुपए में विक्रय मूल्य है। तो आपको क्या निकालना है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य तो हमेशा ज्यादा होता है, ज्यादा मान कैसे आएगा, ज्यादा मान कैसे आएगा, ज्यादा मान तो है, ज्यादा मान आएगा बड़ी संख्या ऊपर, तो 100 ऊपर 97 नीचे, 100 ऊपर, और अच्छा यहां पॉइंट हटा के 1 0 बढ़ा दो, तो लो जी 975 हो गया, 25 से काट दो आप, ठीक है, तो 25 चौके 100, 25 × 75 बची 22, 25 × 225, 39 से 39 कट गया, क्या बचा, एमआरपी हो गया 40 रुपए। किसी को कोई दिक्कत ना जी, बिल्कुल दिक्कत नहीं है इसमें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ा हल्के हल्के से बिल्कुल तरीके से बता रहे हैं सवाल। अच्छा चलो, ये ज्यादा मान कम मान वाली बात है ना, इसको अगर आप सीख लेते हैं ना तो बहुत बढ़िया चीज है ये, हैं, और बिना फॉर्मूले के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो ये क्वेश्चन बताओ, चलो अब ज्यादा मान कम मान किया है तो ज्यादा मान कम मान का ही करते हैं क्वेश्चन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, अंकित मूल्य
₹600 है। विक्रेता 20% बट्टा देकर भी, विक्रेता 20% बट्टा देकर भी 20% लाभ प्राप्त करता है, 20% लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य बताइए, बताओ भाई। ओए मार दिया विवाह, 400 आंसर मार दिया, सब लोगों ने मारा है। अश्विता पांडे, सौरभ शुक्ला, नम्रता सिंह, शबने, योयो, निशा, शबने आंसर मारा है, 400 रुपया आंसर मारा। चलो देखो, अभी अभी हमने बताया था कि क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पूछा है 4000, ये अंकित मूल्य है, ये मैंने समझाया था आपको, 4000 अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य 2000 है, विक्रय मूल्य लाभ लेने के लिए 3000 है। तो अंकित मूल्य दिया है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य तो हमेशा छोटा होता है, देखो 4000 से 2000 छोटा होता है, और छोटा मान कैसे आएगा या कम मान कैसे आएगा, छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे, बस निकाल दो। तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 6000 रुपए है, ठीक है, 6000 रुपए है, अरे 600 ही रुपए, कितना है 600 रुपए। ये क्या दिया है? एमआरपी दिया है। एमआरपी सबसे ज्यादा होता है, निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य तो कम होता है, कम मान कैसे आएगा, ठीक है। पहले इनका मामला क्लियर कर लो, 20% बट्टा यानी 80/100, 20% लाभ, लाभ हमेशा 100 से ऊपर रखते हैं, 20% लाभ 120/100 बढ़ा दो सीधा इसी के साथ। बस ये कह दीजिए कि क्रय मूल्य कम होता है, और कम मान कैसे आएगा, छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे, तो छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे, तो 80/100, ठीक है जी, छोटी संख्या ऊपर होगी बड़ी संख्या नीचे। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है ना भाई, क्रय मूल्य, तो सारी चीजों को ऐसे ही लिखेंगे इसके साथ। तो क्रय अंकित मूल्य दिया है, क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य तो छोटा होता है, छोटा मान कैसे आएगा, छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे, तो 100/120 हो गया, छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे, एकदम गधा वाली स्टाइल है, गधा वाली, ठीक है, 00 से 00, ठीक है। मैं 40 से काट दू, 40 + 120 और 40 × 80, 3 से काट देता हूं, 3 × 6, 2 × 2 × 100, तो आंसर फेंक दिया कितना, 400, एक ही स्टेप में फिनिश है ना, ओके जी, एक ही स्टेप में मार दिया। चलो ठीक है, मुझे क्वेश्चन करके दिखाइए आपको, ये बड़ा मान छोटा मान करके, अब इसी से कराएंगे हम सारे क्वेश्चन। लो, एक मेज का अंकित मूल्य 8 रुपए, विक्रेता 25% बट्टा देकर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, कैसे बता पाएंगे आप? काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते जाते रहते हैं। तुम लोग लाइक वाइक नहीं मार रहे हो, क्या बात है भाई, चलो सब लोग पहले लाइक मार दो, उसके बाद प्रश्न का जवाब दीजिए राम को। हाँ बिल्कुल, 500 आंसर सही है सब, जिसने भी दिया है, गुड, वेरी गुड, 500 आंसर सही। चलो, अंकित मूल्य दिया है, कितना दिया है भाई, 800 रुपए दिया है, एमआरपी दिया है 800 रुपए, 25% बट्टा यानी 75/100, 20% लाभ 120/100, एमआरपी दिया है, सीपी निकालना है, सीपी तो हमेशा कम होता है, और कम मान कैसे आएगा, कम मान कैसे आएगा, कम आएगा
छोटी संख्या ऊपर हो, बड़ी संख्या नीचे हो, छोटी संख्या ऊपर हो, बड़ी संख्या नीचे हो, बस हो गया, इतनी तो आंसर था। 25 की 75, 25 चौके 100। ठीक है, क्या उल्टा पुल्टा काट दिया ये। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 0 से 1 0 से काट दिया, 4 से 25% डिस्काउंट, 20% लाभ। ओके ओके ओके, ठीक है, 4 से मैं इसे काट देता हूं। लो, कितनी बार, 4 से 200 बार, कुछ गड़बड़ा नहीं गई, फिर से देखना, 800 रुपये है, कितना जी है, 800 रुपये है। लो, 25% डिस्काउंट, 75/100। अच्छा, 100/100, ठीक है, 00 से 00 काट दिया मैंने, ठीक है, 10 से 10 काट दिया मैंने, 4 से 4 12 और 4 से 20 बार काट दिया, 3 से मैंने काट दिया इसे 25 बार, अरे 3 × 6 = 15, क्या बचा, 20 × 25 = 50, अतः क्रय मूल्य उसका कितना था, 500 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था। कोई दिक्कत, उम्मीद करूंगा कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन और कर डालो भाई, ऐसी बात है तो। चलो जी, किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹120 है, विक्रेता 10% छूट देकर भी 8% लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ₹120, विक्रेता 10% बट्टा देकर भी 8% लाभ प्राप्त करता है, चलो बताइए क्या है। तो रटने वाली बात तो है ही। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट से बताना है, वे मर्दे बेवकूफ, कॉन्सेप्ट से इसको क्या बताना है। हाँ, तो तुझे क्या लगता है, ये आर्मी वाले बच्चे बहुत सोच समझ के करते हैं प्रश्नों को। तू हैबिट में लिया और प्रश्न रटे होते हैं तो ही पेपर में सॉल्व होते हैं, तुझे क्या लगता है गधे, एक भी क्वेश्चन अगर बन के आ गया ना तो तू तो छोड़, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 120 है, कितना है भाई, 120 होता है, एमआरपी 120 है, एमआरपी क्या है, एमआरपी 120 है, ठीक है, एमआरपी हमेशा ज्यादा होता है, क्रय मूल्य निकालना है वो हमेशा कम होता है, पहले 10% बट्टा यानी 90/100, 8% लाभ 108/100, ठीक है जी, 108/100 हमें एसपी निकालना है, क्या निकालना है, एसपी निकालना है, ना एसपी नहीं निकालना है, सीपी निकालना है, ठीक है, एसपी निकालना होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, सीपी निकालना है, और सीपी तो हमेशा कम होता है, सीपी हमेशा कम होता है, और कम मान कैसे आएगा, कम मान तो ऐसे आएगा, छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या, जानते हैं आप छोटी संख्या बड़ी संख्या, बताइए 1/2 कम होता है कि 2/1 कम होता है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर 0.5 आएगा और इसका आंसर 2 आएगा, तो छोटी संख्या ऊपर है बड़ी संख्या नीचे है तो मान कम आएगा, 5 पैसा मान कम होता है, 2 रुपया मान अधिक होता है, तो ऐसा थोड़ी कि मैंने घर से लॉजिक बना लिया हो कहीं से भाई, मैथमेटिक्स की लॉजिक है ये तो। चलो, तो ये 90/100 इंटू 100/100 आप कौन सबसे कहेंगे तो ठीक है, 2 स्टेप में करा देंगे हम लोग, आओ ठीक है, कौन सबसे, तुमने हमरे ऑफलाइन क्लास नहीं पढ़ी है, सब समझा देते हैं हम। 00 से 00 गया, 12 × 100 देख कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 9 से 9 गया, कितना आसान भाषा का सवाल है,
चलो आप कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं, इसमें कुछ बच्चे जो कभी ऑफलाइन क्लास नहीं पढ़े हैं वो कह रहे हैं कि सर अगर ऑफ कॉन्सेप्ट से पता चल जाए तो ठीक है भैया, चलो उनको वो भी अपना भला होने के लिए जुड़े हैं बेचारे, तो कॉन्सेप्ट से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको काय का दिक्कत है। लो अभी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सब बता देंगे उस पर क्या है। लेकिन ये तो बढ़िया था, एक ही स्टेप में मार दे रहे थे हम तो, और अगर थोड़ा सा सीख जाते हैं तो ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा मार दोगे उधर ही की उधर। ठीक है, अगर इसको सीख जाते हैं आप तो ढंग से, तो फिर इतने से में ही आंसर फेंक दोगे आप लोग। आप देखो कॉन्सेप्ट से देखें आप लोग, उसमें क्या दिक्कत है यार, मैं बता दे रहा हूं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 120 रुपए है, विक्रेता 10% बट्टा देकर भी 8% लाभ देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 10% बट्टा, तो 10% बट्टा यानी 90/100, और बट्टा हमेशा एमआरपी पर दिया जाएगा, छूट हमेशा एमआरपी पर देंगे, तो 120 अंकित मूल्य है 90/100, 00 से 00 गया, 12 9 108, और बट्टा देने के बाद वस्तुएं बेच दी जाती है, अतः 108 रुपए क्या निकला, विक्रय मूल्य निकला है। क्या निकला है भाई, विक्रय मूल्य निकला है। ओके, तो विक्रय मूल्य निकला है। अब आपको चाहिए, फिर कह रहा है 8% लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का, अब लाभ किस पे होगा, लाभ जी क्रय मूल्य पे होगा, किस पे होगा, क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य पर लाभ होगा, तो क्रय मूल्य सीपी है, 8% लाभ, लाभ हमेशा 100 से ऊपर रखते हैं, तो 108/100, और लाभ लेने के बाद वस्तुएं बेच दी जाती हैं, तो विक्रय मूल्य कितना है 108, 108 से 108 गया, कैंची गुणा करके सीपी का मान आ गया 100। लफड़ा बहुत है रे बाबा, लफड़ा बहुत है, समझ गए आप। हाँ, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, उसको डबल स्टेप में एमआरपी पर डिस्काउंट दे दिया, 10% डिस्काउंट 90/100, और डिस्काउंट देने के बाद वस्तुएं बेच दी जाती है, तो विक्रय मूल्य आ गया यहां से कैलकुलेशन करके 108। फिर विक्रय मूल्य पर लाभ नहीं होता, लाभ क्रय मूल्य को होता है, तो क्रय मूल्य सीपी माना, और 8% लाभ 108/100, और लाभ लेने के बाद वस्तुएं फिर बेच दी जाती है, तो विक्रय मूल्य पहले ही निकाल लिया है 108, है ना, तो 108 से 108 गया, कैंची गुणा करके 100 आंसर फेंक दिया। ओके, इसमें थोड़ा लफड़ा है भाई। हाँ, और वो हमारा अपना लॉजिक था कि भाई छोटा मान कब, तुमको पता है यार छोटा कब आता है, जब बड़ी संख्या, हाँ छोटी संख्या ऊपर रख दो, बड़ी संख्या नीचे रख दो, ऐसे ऐसे करके, और वैसे भी भिन्न कौन सी बड़ी भिन्न होती है भाई, बड़ी भिन्न बड़ा मान ऊपर हो छोटा मान नीचे हो तो बड़ी भिन्न होती है, और छोटी भिन्न कौन सी होती है, जिसका ऊपर बड़ा, अंश अंश होना चाहिए छोटा, हर होना चाहिए बड़ा, ठीक है, तो वो भिन्न हमारी छोटी मान ली जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। लो जी, हमने इसको भी मिटा दिया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे माने जाते हैं। ये बताओ आप, बहुत शानदार क्वेश्चन, 20% की छूट देकर 12% लाभ बीस परसेंट छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य 20% बढ़ाकर रखना होगा। हाँ चलो बताओ, हल्का क्वेश्चन,
मार दिया क्या 140? क्या कर रहा है रे यो हनी सिंह? 50% सब गलत है, 40% बहुत अच्छा है, 40% 140% बढ़ा के रखना होगा। क्या कर रहे हो यार? हाँ, 20% छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ा के रखना होगा? ना तो यहां अंकित मूल्य दिया है और ना ही यहां क्रय मूल्य दिया है। बढ़िया क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है, 40% एक्स्ट्रा है, ये ठीक है। चलो, तो जब कुछ नहीं तो सीपी हमेशा, देखो क्रय मूल्य भी नहीं दिया है, अंकित मूल्य भी नहीं दिया, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मान लेता हूं मैं 100%, 100% भाई प्रतिशत पढ़ रहे, 100 मान लीजिए, क्या दिक्कत है? तो 100% कंप्लीट मान लेता हूं, कंप्लीट है, 100 नहीं मान सकते, 100 तो रुपये मुपये हो जाएगा, परसेंटेज कंप्लीट है, जो भी 10, 20, 50, 100, 200, 1 लाख, 2 लाख होगा कंप्लीट, 100% होगा, बस हो गया आंसर। सीपी दिया है, सीपी मैंने निकाल लिया, अभी अंकित मूल्य निकालना है, क्या निकालना है? एमआरपी निकालना है, तो लॉजिक भुड़ा लो, सीपी दिया है, एमआरपी निकालना है, और एमआरपी तो हमेशा ज्यादा होता है, ज्यादा मान कैसे आएगा? बड़ी संख्या ऊपर रख दो, छोटी संख्या नीचे रखो। चलो, तो 20% छूट यानी 80/100, 12% लाभ 112/100। अब सीपी दिया है, एमआरपी निकालना है, एमआरपी तो हमेशा ज्यादा होता है, तो अलग से कर लेते हैं इस कैलकुलेशन को, फिर से अलग से कर रहा हूं, तो 100 अलग से लिख दिया। तो सीपी दिया है, एमआरपी निकालना है, एमआरपी तो हमेशा ज्यादा होता है, ज्यादा मान कैसे आएगा? बड़ी संख्या ऊपर रख दो, छोटी संख्या नीचे रख दो, एमआरपी ज्यादा होता है भाई, एमआरपी ज्यादा मान कैसे आएगा? बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे, तो बड़ी संख्या ऊपर, तो 100/80 और 112/100, ठीक है, बस हो गया जी। 00 से तो 00 हो गया, प्रतिशत अभी बचा है, 10 से 12, 8 से काट देता हूं, 8 × 8 = 32, 14 × 10 तो 140 और ये प्रतिशत। तो सीपी मारा था 100%, एमआरपी निकलाया 140%, तो क्रय मूल्य से कितना अधिक है अंकित मूल्य? तो आपका 40% अधिक है, कितना? 40% तुमने अधिक कर दिया है, जो आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? हाँ, कोई दिक्कत ना, माना मुनी मत करो यार, तुमको मैंने एक बार बता दिया है, एक्स वाई जेड मत मानिए, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो थोड़ा सा रटते हैं, थोड़ा सा रटते हैं, ये तुमको भेजे में नहीं आया क्या कि भैया कोई चीज हम 2000 रुपए का खरीदे, और जब व्यापारी हूं मैं, क्रेता विक्रेता नहीं हूं, तो उसको बढ़ा के रख देंगे, वहां एक टैग होता है, एक मशीन होती है, उससे टैग लगा देते हैं, तो 4000 रुपए मैंने उसको कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि परिचित के नाम पर मुझे छोड़ना पड़ेगा, रेट में से भी कम करना पड़ता है, छूट डिस्काउंट जैसी चीज है, तो 25% का डिस्काउंट दे दूंगा तो 3000 का बेच दूंगा, तो इस प्रकार से मुझे लाभ हो जाएगा। तो जब कभी क्रय मूल्य दिया है, अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य तो हमेशा ज्यादा होगा, कौन बेवकूफ होगा जो अंकित मूल्य, क्रय मूल्य 2000 रखेगा और एमआरपी 1000 कर देगा, मतलब जो खरीदा है उसमें से भी कम कर देगा, है ठीक है? हाँ, तो ये हमेशा इस प्रकार से ही पूरा मार्केट भाव होता है। आप यहां रेट बदल सकते हैं, लेकिन इसको ज्यादा इसको कम नहीं कर सकते, पूरा अर्थशास्त्र गड़बड़ा जाएगा, ठीक है? और फिर ज्यादा मान कैसे आता है? तो ज्यादा मान कैसे आता है यार, ये कोई बताने वाली बात है कि 1/2 ज्यादा है कि 2/1, कौन ज्यादा है बताइए? तो ये कोई कहने वाली बात है, कौन सी बड़ी भिन्न है? तो भाई जाहिर सी बात है, ये बड़ी भिन्न है। क्यों बड़ी भिन्न है? क्योंकि अंश बड़ा है और हर छोटा है, इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर 0.5 आएगा, और ये ज्यादा ना होकर ये क्या है? ये कम है। तो ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, कौन सी बड़ी भिन्न कौन सी छोटी भिन्न है, हा? इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, और अपन लॉजिक के साथ कर रहे हैं, कोई ट्रिक भी नहीं है, मतलब इसको ट्रिक ब्रेक नहीं बोलते, ट्रिकें समझ में नहीं आती, लॉजिक समझ में आती। चल,
बहुत मुश्किल से तो आप लोगों को ये सब चीज में सीख साख के बता पाता हूं कि कैसे बच्चों को एक लाइन में बताया जाए। चल 20% छूट देकर बात। अच्छा ये तो बता दिया ना, चलो तो ये बताओ आप, परसेंट की छूट देकर 23% लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना पड़ेगा बताइए। 18% छूट देकर 23% लाभ लेने के लिए उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना पड़ेगा बताओ भाई। ये अंकित मूल्य भी नहीं दिया है और क्रय मूल्य भी नहीं दिया है। बताइए बताइए क्या आंसर है। चलो नहीं बताया मैं बता देता हूं। 18% छूट यानी 18 से कितना भाई, ये हो गया 82। क्यों भाई और क्या होगा, 82 तो होगा ही होगा। 18% छूट, 100 में से 18 गया तो 82, 23% लाभ, 123/100। पहले ये चीजें लिख लिया करो ठीक है। चलो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से जब कुछ नहीं दिया तो हमेशा प्रश्न में क्रय मूल्य 100% मान दिया ठीक है। लो सीपी 100% मान दिया। सीपी 100% मान लिया तो क्या निकालना है, अंकित मूल्य भी अगर पता लग जाए तो तुलना कर दूंगा क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है। तो पहले अंकित मूल्य तो पता लगे, जैसे क्रय मूल्य तो आपने निकाल लिया 100% है, जब अंकित मूल्य नहीं निकलेगा तो कैसे कम अधिक निकाल पाएगा। तो एमआरपी ये निकाल लेते। लो अभी आता है एमआरपी ठीक है। चलो तो इसको अलग से लिख लेता हूं क्योंकि तुलना करने के लिए फिर ढूंढना पड़ेगा कि 100% कहाँ है। तो 100% सीपी दिया है, सीपी दिया है, एमआरपी निकालना है। एमआरपी तो हमेशा ज्यादा होता है, ज्यादा मान कैसे आएगा, ज्यादा मान आएगा बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे, बड़ी संख्या ऊपर यानी 100/100/82 ठीक है, 123 बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या नीचे। कितना लॉजिकल तरीका है, 00 से 00 ठीक है। 41 से काट रहा हूं, 41 × 82, 41 दिया 123, 2 से काट रहा हूं 50 50 ठीक है। प्रतिशत बचा 50 बचा 3 बचा, 5 × 3 = 15, 150%। तो क्रय मूल्य 100 था और एमआरपी अंकित मूल्य 150% है, कितना अधिक कर दिया। तो आप कहेंगे सर 50% मैंने एक्स्ट्रा अंकित कर दिया जो बढ़ा के रखा था, क्रय मूल्य 100 था और इतना इतना अगर 18% छूट देकर 23% का लाभ करना पड़ेगा तो अंकित मूल्य को 50% बढ़ा के रखना पड़ेगा। ओके चलो जी एक क्वेश्चन और करेंगे आप, उसके बाद तरीका फिर बदल देंगे हम लोग। पच्चीस परसेंट छूट देकर 20% लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना पड़ेगा बताइए। आज ही खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कल कर देंगे, आज नहीं करेंगे हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर का क्वेश्चन होगा, किताब विताब का सब बता डालेंगे। अच्छा 60% एक्स्ट्रा, चलो ठीक है भाई। 25% छूट यानी 75/100, 20% लाभ 120/100। चलो वही, जब कुछ नहीं तो क्रय मूल्य कितना है, 100% है, उसको रख लेता हूं। अब क्रय मूल्य अंकित मूल्य क्रय मूल्य दोनों निकाल लेते, अंकित मूल्य क्रय मूल्य दोनों निकाल लेते, ना तो मुझे अंकित मूल्य का पता ना मुझे क्रय मूल्य का पता। तो क्रय मूल्य निकाल लिया 100%, अब अंकित मूल्य निकाल निकाल देंगे। अंकित मूल्य तो हमेशा ज्यादा होता है, ज्यादा मान कैसे आएगा, बड़ी संख्या ऊपर हो छोटी संख्या नीचे, बड़ी संख्या ऊपर हो छोटी संख्या नीचे हो, बड़ी संख्या ऊपर हो और छोटी संख्या नीचे हो ठीक है। 00 से 00 है, 25 × 100 और 25 × 75,
तीन से तो चौके 12, चार गुणा 40 तो चार चौके 16 और ये प्रतिशत बचा है। तो क्रय मूल्य था 100, अंकित मूल्य हो गया 160, तो कितना एक्स्ट्रा अंकित किया था आपने, 60% एक्स्ट्रा अंकित किया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें भेजे में आ रही होंगी, मैंने ऑफलाइन क्लास में भी तो ये सब चीज पढ़ाया है, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो जी आइए और देखते हैं कैसे बनता है ये सब चीज। एक पुस्तक को ₹95 में खरीदा, पांच परसेंट छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए 5% छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए पुस्तक का कितना मूल्य अंकित करना पड़ेगा, अंकित करना पड़ेगा। लो जी बढ़िया क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को सब लोग बना पाओ, है ना, सब लोग बना दो। अच्छा जी बना दो सब लोग, वही छोटा मन कब आएगा बड़ा मन कब आएगा बस ऐसे ही करके रख देना है, बस ये चीज समझ में आ जाए कौन छोटी कौन बड़ी और बड़ा मन कब आए और छोटा मन कब आए, और आप बड़े मजे से इसको बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे क्या क्वेश्चन है? अच्छा एक पुस्तक का अंकित मूल्य ₹95 है, एक पुस्तक को ₹95 में खरीदा, सीपी कितना है? लो जी ₹95 है, सीपी कितना है? ₹95 है, क्रय मूल्य ₹95 है। फिर क्या करना है? 5% छूट यानी ₹95/100, 10% लाभ ₹110/100। पुस्तक का कितना मूल्य अंकित करना पड़ेगा, मतलब अंकित मूल्य निकालना है, क्या निकालना है? एमआरपी निकालना है। क्रय मूल्य दिया है अंकित मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य दिया है अंकित मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य दिया है अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य तो हमेशा ज्यादा होता है, ज्यादा मान कैसे आएगा भैया, तो बड़ी संख्या ऊपर हो, बड़ी क्या है 100, यही लगा दो 100, अलग से भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। 100/95 बड़ी ही संख्या ऊपर छोटी संख्या, 100 बड़ी, 100 बड़ी ही संख्या ऊपर हो 110/100, ठीक है जी, 00 से तो 00 गया, 95 से 95 गया, क्या बचा 110 है। लो जी कितना आसान सवाल है, खूब बड़ा सवाल है लेकिन सबके लिए एक ही तरीका है कि बड़ा मान कब आएगा छोटा मान कब आएगा, बस ये एक बार भेजे में घुस जाए कि बड़ा मान कब आए और छोटा मान कब आए। चलो मुझे क्वेश्चन लिखाइए, वही एक पुस्तक को ₹460 में खरीदा, 8% छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए सामान का कितना मूल्य अंकित करना पड़ेगा बताइए। आंकड़े और डाटा चेंज किए हैं मैंने, कुछ चेंज नहीं किया मैंने, मार तो जल्दी से क्वेश्चन को।
560, गुड, वेरी गुड। हाँ, एक पुस्तक को 460 रुपए में खरीदा है, कॉस्ट प्राइस हो गया 460, ठीक है। निकालना क्या है? अंकित मूल्य। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है यार, जब क्रय मूल्य दिया है अंकित मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य हमेशा ज्यादा होता है, ज्यादा मान कैसे आएगा आप भली बात ही जानते हैं। 8% छूट यानी कि 92/100, 12% लाभ यानी 112/100। तो सीपी कम होता है, एमआरपी ज्यादा होता है, हमेशा होता है, ऐसा नहीं कि सवाल में होता है, व्यवहारिकता में भी होता है, ऐसा हमारे अपने जीवन में भी होता है, ठीक है। तो चलो आइए, तो 460 है सीपी, 460 है, ओके। तो हमें एमआरपी निकाला, एमआरपी तो ज्यादा होता है, 100/92 12% 112/100, ठीक है। बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे, बड़ी संख्या ऊपर, बड़ी 112 है, 100 छोटी है, 100 से पहले 100 गया। अच्छा, 23 × 40 और 23 × 4 चार से 36 × 4 = 8 + 8 = 32 / 28 × 56 560 रुपया उसका एमआरपी तहा होगा। कितना जी? 560 है ना, चलो ठीक है, 560 उसका एमआरपी। एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद हम अपना तरीका फिर बदल देंगे। बहुत बढ़िया, एक ₹1740 में खरीदा है, 15% लाभ लेकर, अच्छा 13% छूट, 13% छूट पर और 15% लाभ पर, 13% छूट देकर 15% लाभ लेने के लिए मशीन का कितना मूल्य अंकित करना पड़ेगा? मशीन का कितना अंकित मूल्य करना पड़ेगा? हाँ, लाइक वाइक नहीं मार रहे हो, मार दो मेन चैनल पे जाके। चलो बताओ जी कैसे? 2300, बहुत अच्छे, ब्रिलियंट सब, बहुत बढ़िया, पाल पंचम 2300। अब देखो आ गया समझ में, क्यों नहीं आएगा? भले ही आप ऑफलाइन क्लास नहीं पढ़े हो, लेकिन जुड़े रहोगे तो कब तक नहीं आएगा? मैं तो उसी मेथड पे तब से बताए जा रहा हूँ, कोई दूसरा मेथड तो चालू किया ही नहीं मैंने, सवाल बदले लेकिन मेथड नहीं बदला, यही तो आर्मी होती है, बार बार रूल्स बदलोगे तो कहाँ हिसाब लगेगा? एक ही रूल्स है कि चाइना वालों को मारो और दूसरा जो पाकिस्तान वालों को मारो, तो तुरंत एक्शन नहीं ले पाएंगे ना। तो अभी चाइना वाले पर गोली चलानी है तो पाकिस्तानी कहां से आ गए इसमें? जिद्दी आर्मी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मशीन को 1740 रुपए में खरीदा है, ये सीपी है, ठीक है, ओके। तो अंकित मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य तो हमेशा ज्यादा होता है यार, हमेशा ज्यादा होता है, ज्यादा मान कैसे आएगा? बात की बात है, 13% छूट यानी 87/100 भाई, 100 में से 13 गए तो 87, 15% लाभ यानी 115/4। तो हमको चाहिए एमआरपी, एमआरपी तो ज्यादा होता है, ज्यादा मान कैसे आएगा? 100/87, ठीक है, 115/100, 100 से 100 गया, 87 × 7 × 14 × 2 = 14 × 2 = 16 × 17, कितनी बार? 20 बार कट गया, ठीक है, बस हो गया। और क्या क्या बचा? 20 × 115, ठीक है, 2 × 10, 2 × 10, 2 × 1 = 2 और 1 = 3 और 2 × 1 = 2 और 1 = 0 है, अतः एमआरपी आ गया 2300 रुपया। सॉलिड तो है, चलो जी मिटा दो, चलो अब ठीक है।
अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अरे एक बार ये यूट्यूब को फिर से खोल के बैठ जाना और फिर साधु गुरुदेव हैं तो एक बार यूट्यूब खोल के बैठ जाना और दो बार इसको लगा दीजिए और फिर देखिए क्वेश्चन फंसता है कि बनता है। अभी आज कंप्लीट नहीं होगा, कल जाके कंप्लीट होगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, एक आध क्वेश्चन, एक फालतू का क्वेश्चन है, उल्लू बनाने का है। एक दुकानदार छह खिलौने खरीदने पर दो खिलौने मुफ्त में देता है, मुफ्त में देता है, तो ग्राहक को कितना प्रतिशत छूट प्राप्त हुई? तो ग्राहक को कितना परसेंट छूट प्राप्त हुई? ए ये मेला लगता है कि वॉशिंग मशीन लेने पर जूसर फ्री, वॉशिंग मशीन लेने पर जूसर फ्री लिखे नहीं होते? तो भैया आप उस पर पहुंच जाते हैं घूमते घामते मेले में, तो आप कहेंगे भैया कैसे दिया है ये सब सामान? तो आप वो दुकानदार कहेगा कि वॉशिंग मशीन लेने पर जूसर फ्री है, तो आप कहें भैया वॉशिंग मशीन तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से है, या हम गरीब है, वॉशिंग मशीन बहुत महंगी है, हम ले नहीं पाएंगे, गर्मी का सीजन है, हमको ये जूसर फ्री है वो फ्री फ्री वाला दे दी। तो फ्री वाला आपको नहीं देगा, यानी दुनिया में कोई चीज़ फ्री व्री नहीं होती है, फ्री वाला बिल्कुल भी नहीं देगा, कहेगा पहले इसका 10,000 रुपया आओ बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन, जो एक लेंगे बा में बाई को बाबा बना दे, तो है एक शर्ट लेंगे वही में दूसरी शर्ट को पैसा ऐड कर ले, वो बाई बाई कुछ नहीं है, बाय वन गेट वन फ्री, हाँ उसी में बाबा कर देगा तू। चलो ठीक है, तो एक दुकानदार छह खिलौने खरीदने पर, वो जूसर है ना, वो जूसर है भैया, वो उस वॉशिंग मशीन में पैसा ऐड है, वो फ्री मेरी नहीं है। हाँ तो छह खिलौने खरीदने पर, अच्छा छह खिलौने खरीदने पर दो खिलौने आउट ऑफ 100, ये वाली बात गलत बात है, ये गलत बात है, छह खिलौने खरीदने पर दो मुफ्त नहीं, पूरा पैसा आठों का ले लेगा, आठ खिलौने खरीदने पर अब दो खिलौने मुफ्त है, लेकिन वो पैसा छह का ही कहेगा, ये 33 सही 1/3 सब उल्लू गधे, तो गलत दे रहे, तो ये आ गया 2/8 और आउट ऑफ 100%, 2 × 8 और 4 से 25% इसका आंसर, अच्छा 25%। अबे 6 पे 2 फ्री नहीं है बेवकू, 2 कुछ फ्री नहीं है, ये 2 का भी रुपया इसमें ऐड होता है, ऐसे फ्री फ्री कैसे हो जाएगा यार, कुछ भी फ्री है। पटिया वाले को भंडारा थोड़ी है जो फ्री में खाया हो, क्यों भाई भंडारा थोड़ी है जो खाया हो, चलो वो भी फ्री में नहीं है, कुत्तों को भी खाद हो जाती है वहां, उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलो एक दुकानदार 12 खिलौने खरीदने पर 3 खिलौने मुफ्त में देता है, तो ग्राहक का कितना प्रतिशत, हाँ तो ग्राहक का कितना प्रतिशत छूट प्राप्त हुई? 20%। अच्छा जी ठीक है, तो मान लेता हूं 20% छूट प्राप्त हुई, कैसे?
तीन खिलौने मुफ्त में प्राप्त होते हैं, कब? 12 खिलौने खरीदने पर, आउट ऑफ फंडिंग। ये तरीका गलत है भाई, 12 खरीदने पर तीन, 12 का रुपया थोड़े दिया है, ये तीन का भी रुपया दिया अलग बात है, उसने कहा नहीं आपसे, उसने आपसे कहा नहीं। मुफ्त में कोई चीज नहीं होती भाई, अगर मुफ्त में देता तो फिर आप गर्मी का सीजन है वो जूसर फ्री में ही ले आते हैं, जो वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए भैया हमको, इतना पैसा नहीं है, हमको जूसर दे दे, बहुत गर्मी पड़ रही है, चिपचिप हो रहा है, अखल वखल हो रहा है, हम जूस डाल डाल के पियेंगे इसमें, तो देगा तुमको, लतिया देगा तुमको, दो लात मारेगा, चल नो निकल, बहुत हो गया, दिमाग पका रहा है, ग्राहक ही खराब कर रहा है। तो 3/12 = 15 आउट ऑफ 100%, 3 × 5 = 15, 5 से कितना 20% छूट प्राप्त हो गई। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है मगर बहुत मोटे क्वेश्चन है भैया, हाँ बहुत मोटे क्वेश्चन है। तो देखिए खूब सारे टॉपिक हो गए हैं, लगभग मैं ये कहूँ कि मैथ्स का पोर्शन 10-20% ही बचा है, लगभग पूरा हो चुका है। कहो, हाँ हाँ सब कुछ हो गया है, एक ट्रेन बचा है अभी हमारा, समय दूरी ट्रेन, एलसीएम एससीएफ बचा है, तो अब इनको भी और करा दूंगा और उसके बाद फिर अपन रिवीजन के लिए चलेंगे, रिवीजन के लिए चलेंगे। और तब तक उषण ने चाहा तो कल देखो फैसला आने वाला है, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में फैसला आने वाला है, तो 1 से 5 तारीख के बीच में यदि अपना कोचिंग ऑन हो जाता है, ऑफलाइन क्लास हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं बड़ा खुशी खुशी ऐसा पढ़ाऊँ। अरे बाबा मुझे बहुत है ये, इसमें दर्द हो रहा है, ये हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, क्योंकि कुछ काम नहीं किया है, मार नहीं दिए तुमने, हाथ पैर मेरे यूं ही पड़े रहते हैं, तो मेरे हाथ पैर भड़बड़ा रहे हैं। देखो छोटे बच्चों की कोचिंग 31 जुलाई तक बंद है, अब देखो सरकार का कोई फैसला आने वाला है, अगर 31 जुलाई तक बंद रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपना पेपर 30 अगस्त को है, अपना पेपर 30 अगस्त को है, तो 1 महीना तो अपन को फिर भी मिलेगा। हाँ और आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ ये नहीं पूछोगे, दिल्ली जा रहा हूँ, वो इंस्ट्रूमेंट कोई लेके नहीं आ पा रहा है, तो मैं दिल्ली इंस्ट्रूमेंट लेने जा रहा हूँ, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है ना, टेस्ट चलते हैं उस पर क्वेश्चन क्वेश्चन लिख के आता है, उसको टिक करते जाते हैं और नंबर काउंट करते जाते हैं, बाद में पता लग जाता है कितने क्वेश्चन सही हैं कितने क्वेश्चन गलत हैं, है ना। तो मुरैना में 3 दिन को कल्फ्यू लगो, हाँ रोज 50-50 निकल रहे, पूरा मुरैना सही रह जाओ या के चक्कर में, हाँ लगना भी चाहिए। तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो दिल्ली से बोले आऊँ तो शाम को क्लास बंद रहेगी, और उम्मीद है कि सुबह भी क्लास बंद रहेगी, शाम और सुबह, कल आज शाम को भी क्लास बंद रहेगी और सुबह भी क्लास बंद रहेगी। बंद रहने से मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ेंगे नहीं, YouTube पर इतने सारे वीडियो पड़े हैं, आपको लाइव पढ़ना और बिना लाइव पढ़ने में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, उसमें अगर आप नहीं पढ़ पाते तो बाद में भी वीडियो पड़ा रह जाता है, तो आप उसे लाइव की तरह ही पढ़ते हैं, साथ साथ आंसर देते जाइएगा आप लोग, और उतना उतना चलता जाता है, और जब कभी जल्दी बता देते हैं तो वीडियो को रोक लिया करो फिर देख लेना ना, है ना, कोरोना मरोना मुँह को नहीं होगा, मैं एकदम सेफ्टी में जाता हूँ, मेरे पास सब हथियार औजार हैं मेरे पास, हाँ मैं पीपी किट पहन के जाऊंगा और वहां से तुम्हारे लिए ले आऊँ ना मैं वो टेस्ट सीरीज दिलाने के लिए, और टेस्ट होंगे ना तो बहुत मजा आएगा, हाँ टेस्ट होंगे ना तो बहुत मजा आएगा, बहुत शानदार, एक एक व्यक्ति का मैं आंसर क्वेश्चन देखा करूंगा, सब कुछ कैसे कैसे कर रहा है, क्या क्या कर नहीं कर रहा है, ठीक है। और बात बाकी अगर कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन हो जाती है तब तो मैं मार मार के तुम्हारा कीमा बना दूंगा एकदम, ऐसे काट पीट के तुमको खा जाऊंगा, ये मान लीजिए मार मार के बहुत इंतजार करा रहा है ये कोरोना, बहुत इंतजार करा रहा है। हाँ तो आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो दिल्ली से मैं आज जाऊँगा, कल सुबह नहीं लौट पाऊँगा, शायद शाम को क्लास 99% शाम को क्लास लगने के पूरे पूरे चांस हैं,
यदि नहीं लग पाई 1%, कल शाम को भी क्लास लगे 1% चांस है। तो अगर वैसे तो कोशिश करूंगा कल शाम को क्लास लग जाए, अगर नहीं लगी तो कोई बात नहीं, आप तब तक पूरे टॉपिकों का रिवीजन कर डालो, जितने भी टॉपिक है ना सबका रिवीजन कर डालो, क्योंकि अब एक टाइम टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, एक ही टाइम पढ़ाऊंगा और एक टाइम टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, कभी एक टॉपिक वाइज टॉपिक टेस्ट होंगे, कभी कंप्लीट टेस्ट होंगे। जैसे हमने कहा हमने फिजिक्स का फिजिक्स के इस टॉपिक का टेस्ट लेना है, तो आप उस टॉपिक को मेरे बुकलेट से आप पढ़ के रखेंगे, फिर उसमें से आप लोग टेस्ट फिजिक्स के एक टॉपिक का, जैसे गति का टेस्ट लेना है तो गति के 10-15 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा, 3-4 ऐसे ही करके 50 क्वेश्चनों का टेस्ट बना दिया करेंगे, 30-30 क्वेश्चन आते हैं ना, 30-30 क्वेश्चनों का टेस्ट बना दिया करेंगे, और कभी कभार कंप्लीट टेस्ट हुआ करेगा, एक टाइम मैथ चलेगा, एक टाइम साइंस जीके प्योर चलेगा एकदम बढ़िया से, और उसी पे हो सके मैं पढ़ा दिया करूंगा बहुत बढ़िया से। हाँ ओके चलो फिर ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल शाम को, ओके बाय, जय हिंद।